हाय एवरीवन, आज हम वोवल ई जब दूसरे लेटर्स के साथ आ जाता है तो क्या साउंड्स बनती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में होता है ना टू लेटर वर्ड्स घर घर, ऐसे ही इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ है। लेटर मतलब अक्षर, एक अक्षर ये हो गया, जब उसको एक और अक्षर के साथ जोड़ दिया, एक और लेटर के साथ जोड़ दिया तो बन गए टू लेटर वर्ड्स। एक अक्षर, ये अक्षर नहीं, ये लेटर नहीं, ये वर्ड है। सो अब हम साउंड करेंगे। ई की साउंड होती है एह, डी की साउंड होती है ड, एह ड एड। ई की साउंड होती है एह, जी की साउंड होती है ग, ए ग एग। ई की साउंड होती है एह, एन की साउंड होती है न, एह न एन। ई की साउंड होती है एह, टी की साउंड होती है ट, एह ट एट। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।